रसोइयों का वेतन 11,250 रुपए करने और वहीं 12 माह वेतन और साथ में 25 बच्चों की शर्त को खत्म करने का इन रसोइयों ने किया ऐलान। लगातार मिड डे मील रसोइयां अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करी हुई हैं। वहीं इन महिलाओं ने आज हिमाचल की मिड डे मील रसोइयों ने विधानसभा का घेराव किया, जहां स्कूल में तैनात मिड डे मील वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को प्रदेश भर की मिड डे मील वर्करों ने सिट्टू के बैनर तले विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में मिड डे मील वर्कर पंचायत भवन के में इकट्ठा होकर रैली निकालते हुए विधानसभा के बाहर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसी दौरान सिट्टू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि देश में मोदी सरकार मजदूर वर्ग के तीखे हमले जारी करे हुए हैं। केंद्र सरकार 45वें श्रम आयोग के शर्त के अनुसार योजना मजदूर को मजदूरी का दर्जा देने और वहीं पेंशन, ग्रेजुटी, स्वास्थ्य आदि सेवाएं लागू करने नहीं दे रही है। मिड डे मील कर्मिकों के वेतन में 1 रुपये की भी बढ़ोतरी अभी तक सरकार ने नहीं की है, बल्कि मोदी सरकार तो इस योजना को कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले करना चाहती है। यही कारण है कि इस योजना के बजट में लगातार कटौती की जा रही है। मोदी सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना करके इसे खत्म करने और सुनियोजित साजिश रची है। उन्होंने सरकार से मांग की कि मिड डे मील वर्करों का न्यूनतम वेतन 11,250 रुपए किए जाए और मिड डे मील मजदूरों को हिमाचल हाईकोर्ट के 31 अक्टूबर 2019 के निर्णय अनुसार 10 महीने के बजाय 12 महीने का वेतन दिया जाए। 5 महीने का बकाया वेतन तुरंत उन सभी के खातों में तुरंत पहुंचाया जाए। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि स्कूल मर्ज होने या बंद होने की स्थिति में मिड डे मील वर्करों को प्राथमिकता के आधार पर अन्य कार्य यहां पर सौंपा जाए और उनका शोषण और रसोइयों व ठेके पर न देने और रोक लगाने का ऐलान किया।